हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग गीत स्वेजर एंड आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक हैम्पर बॉक्स बनाने वाली हूँ। बेसिकली हैम्पर बास्केट काइंड ऑफ थिंग, जिसमें हम लोग प्रॉपर चॉकलेट का अरेंजमेंट करेंगे और बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट में जो जितने भी हैम्पर्स आते हैं वो सारे थर्माकोल बेस्ड होते हैं या फिर बास्केट वाले होते हैं, जो लकड़ी की बास्केट्स बनी होती हैं। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पेपर बेस्ड वर्क करके जो हैंडमेड इफेक्ट आए हैम्पर में, मैं उस तरीके से हैम्पर्स बनाना चाहती हूँ। हैंडमेड पूरा होना चाहिए, चॉकलेट से लेकर के हैम्पर तक। तो आज उसी का कोशिश करेंगे एंड लेट्स सी कैसा बनता है। और मेरे पास कुछ चार्ट पेपर्स हैं, जैसे कि रेड कलर का है, पर्पल कलर का है एंड आई हैव दिस ब्लू काइंड ऑफ ऑल्सो, बिल्कुल मैच करता हुआ मेरे पीछे वॉल से और सामने से ये कुछ ऐसा है। तो इस तरीके मेरे पास चार्ट पेपर्स कुछ है, तो आज मैं सोच रही हूँ मैं इन्हीं से एक हैम्पर बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, ये हमारा बेस रेडी है इस तरह से और ऐसा, और जब ये ऐसे खुलेगा तो इसमें हमारे पास बीच में सामान रखने का पूरा स्पेस है और बस अब इसको अच्छे से डेकोरेट करना है और इसके अंदर सब असेंबल करना है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ हैम्पर बॉक्स। ये देखिए, मैंने एक टैग बना लिया है छोटा सा और ये ये सिर्फ एग्जाम्पल बेस्ड है। जब मुझे रियल में किसी का हैम्पर बनाना होगा तो मैं और अच्छी क्वालिटी यूज करूंगी। ये तो चार्ट पेपर है बट जब किसी का रियल में काम आएगा तो फिर हार्ड पेपर क्वालिटी का यूज किया जाएगा। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि ये है और ये हमने लोगों को दिया भी है अपने उसमें। ये देखिए, इसकी क्वालिटी बहुत हार्ड है, इस पेपर की क्वालिटी। तो इस काइंड ऑफ पेपर से हम लोगों ने टैग बनाए हैं और सारे ही टैग, ये देखिए इस तरह से हम लोगों ने टैग बनाए थे, तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, एक फोटोशूट करने के लिए बना रहे हैं, इसलिए मैंने ये नॉर्मल सा ही बना लिया है। और ये मैंने एक इस रिबन लगाया है और रिबन एक्चुअली मुझे वाइट लगाना था क्योंकि वाइट इसके साथ ज्यादा अच्छा जाता, बट मेरे पास वाइट अभी इस लेंथ में था नहीं, इस विड्थ में था नहीं, इस वजह से मैंने सोचा चलो ये वाला लगा करके देखते हैं। और अभी मैं इसमें ये टैग अटैच कर दूंगी। सो ये देखिए, मैंने ये हैम्पर बनाया है और अगर इसमें वाइट रिबन लगता तो ये ज्यादा सुंदर लगता, बट इस विड्थ की मेरे पास रिबन नहीं थी। कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक डेमो काइंड ऑफ है। जब मैं रियलिटी में किसी के लिए बनाऊंगी तो मैं उसमें वाइट रिबन ही यूज करूंगी। और इस तरीके से कुछ है और इसके अंदर हम बहुत सारा सामान हैम्पर से रिलेटेड रख सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग भी कमेंट में बताइएगा।
कोको के लिए प्लीज एक ले लेते हैं यार, प्लीज यार देखो ना भेड़ भेड़, ये देखो भेड़ गाइस, और ये रैबिट, और ये डॉल्फिन, ये रेनबो, ये शार्क सो क्यूट चुको 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 वो एलिफेंट टॉयज फॉर गर्ल्स टॉयज तो फ्रेंड्स अभी हमारे पास दो ऑर्डर आए हैं बर्थडे के, छोटा हैम्पर छोटा सा चॉकलेट बॉक्स बना के देना है, तो बस मैं वो जा रही हूँ फटाफट से बनाने और उसे 7:30 बजे तक देना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं।